बोले कहाँ की कावड़े? मुजफ्फरनगर का शिव चौक। जय जय बा दोस्तों, मैं फिलहाल चिनू, मैं पहुंच चुका हूँ मुजफ्फरनगर शिव चौक पे, जहाँ पर जो भोले हैं वो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। वो इधर के जाने का रास्ता है, देखिए भोले यहाँ परिक्रमा करते हुए आपको दिख रहे होंगे। और इधर से हम आ रहे हैं, हम वहाँ पर रुके थे कम से कम 3 घंटे, क्योंकि वहाँ पर पड़ रही थी बहुत सारी बारिश। और ये देखिए मीडिया वाले अभी उन भोलों की से बातचीत करी उन्होंने, और यहाँ से हम आपको देंगे भाई डाक कवर की सारी वीडियो, और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों मेरे सामने देख पा रहे हैं आप मुजफ्फरनगर का शिव चौक, और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर परिक्रमा जो भोले कर रहे हैं। भोले इधर की तरफ से आ रहे हैं और इधर यहाँ परिक्रमा करते हुए, ये देखिए भाई साहब इधर की साइड से जितने भी कांवर जाती है सब की सब परिक्रमा करते हैं इस शिव चौक के। आप देख सकते हैं मेरे सामने, भोले की भीड़ देखनी है तो शिव चौक पे आके देखे भाई, इतना भीड़ देखे, चारों तरफ क्राउड ही क्राउड है भाई, और वहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही माहौल बना रखा है भाई साहब। और यहाँ पे कुछ देर रुक के जा रही है जो बड़ी बड़ी डाक कावर है, और वो आगे जाती हुई। बोले कितना लीटर जल होगा? 91। दोस्तों आपके सामने 91 लीटर जल लेके जाते हुए, और ये शिव चौक का नजारा हम कुछ आगे आगे बैठ गए थोड़ा सा, ये देखिए इस समय आपको वीडियो दिखा रहे हैं मुजफ्फरनगर से। हमारा देश का तिरंगा सदा ऊंचा रहे। चुके हैं और भाई बारिश जो है आज पूरा दिन पड़ रही है, और हर जगह भाई पानी पानी हो चुका है। कहीं सोने के लिए जो शिविर लगे हैं वहां पर पानी भरा है हर जगह भाई, कहीं सो भी नहीं सकते। अब हम बैठे हैं भाई हाईवे पर,
ये देखिए, और देख रहे हैं भाई टेंट लगाने के लिए, टेंट देख रहे हैं भाई कहीं जगह मिल जाए टेंट लगाने के लिए। और भाई आपको मैंने दिखाया बहुत सारी जो डाक कावड़ है, शिव चौक से हम गुजर रहे थे मुजफ्फरनगर से, और मुजफ्फरनगर पार कर देंगे। और आपको जो अगली वीडियो हमारी आएगी उसमें दिखाएंगे भाई अमर डीजे या मोनू डीजे या कसाना डीजे के बारे में, अगर वीडियो बनती है बिल्कुल दिखाएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारे डीजे का कॉम्पिटिशन हम आपको वीडियो के आगे दिखाने वाले हैं। ये देखिए इधर चलते हुए, और अभी हम यहाँ के बैठे हैं, हम जगह ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई जगह मिल जाए जिससे हम कैपी टेंट लगा के आराम कर सके, क्योंकि सुबह चल रहे हैं और भाई साहब बिल्कुल भीगे पड़े हैं। और जो हमारा सावंत एक दोस्त है मुसाफिर टू, वो भाई निकल चुका है घर के लिए, उसका उसे थोड़ा सा बीमार फील हो रहा था तो वो घर पहुँच चुका है, अभी नहीं पहुँचा, वो निकल चुका है वैसे, देखते हैं कब तक पहुँचता है। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी। तो दोस्तों मुजफ्फरनगर शिव चौक से आगे लगभग 1 किलोमीटर आगे का ये नज़ारा है आप जो देख पा रहे हैं, और ये कांवड़ भाई बारिश में भी बढ़ती जा रही है, कोई नहीं रुक रहा है भाई, सब सब धीरे धीरे आगे चलते जा रहे हैं। और भाई जहाँ भी शिविर लगे हैं छोटे मोटे वहाँ पानी भरा हुआ है, अब जगह ढूंढ रहे हैं भाई, क्या मिलती है तो देखते हैं।